Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss some more topics related to cell structure and function, like cell wall, parts of cell wall, plasma membrane, structure of plasma membrane, and fluid mosaic model and function of plasma membrane. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो आउटर बाउंड्री होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी आउटर एक लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल्व कहते हैं. सेल वॉल्व मोस्टली प्लांट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, इन फंजाई के अंदर मौजूद होता है, लेकिन तीनों में जो इनकी कंपोजिशन होती है दैट इज़ डिफरेंट. प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, और जबकि फंजाई के अंदर इट इज़ कंपोज्ड ऑफ काइटिन, और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये पेप्टाइडो ग्लाइकेन का बना होता है. और अगर हम सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन लेयर्स, जिसमें एक प्राइमरी सेल वॉल होता है, एक मिडल लेमिला होता है, एंड एक सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होता है. देन फर्स्ट वी हैव प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल जो है ये न्यूली ग्रोइंग जो सेल्स होते हैं वो उनके अंदर ये डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और इसको हम ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं. प्राइमरी सेल वॉल को ट्रू सेल वॉल भी कहा जाता है. हर सेल प्राइमरी सेल वॉल प्रोड्यूस कर लेता है, और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है, इट इज़ प्रेजेंट इनर टू मिडल लेमिला. मिडल में जो लेमिला का जो लेयर होता है उसके अंदर ये पाया जाता है, और इसकी जो कंपोजिशन है दैट इज़ थिन एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल, और ये बना हुआ होता है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से. जो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है ये इस टाइप की अरेंजमेंट होती है जिसको हम क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं. अब इसकी जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है ये एक्चुअली सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स हैं. सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स इस तरह से एक तरह नेटवर्क बना रहे हैं, एक तरह से एक नेट बना रहे हैं क्रिस क्रॉस, इसको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट. इसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से ये मैक्सिमम इसको स्ट्रेंथ मिल रही होती है. एंड देन इस डायग्राम में आप देख लें, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल्व. ये जो है ये आपके पास एक प्राइमरी सेल वॉल्व है, ये यहाँ से सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट होता है. दिस इज मिडिल लेमिला. लेमिला के इनर साइड पे ये प्राइमरी सेल वॉल्व मौजूद होता है. अभी हमने बात की कि ये मिडिल लेमिला के इनर साइड पे प्राइमरी सेल वॉल्व ये मौजूद होता है. दिस इज बेसिकली प्लांट सेल वॉल्व. दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जो हिस्सा होता है ये सेल वॉल्व का होता है. दिस इज़ प्राइमरी सेल वॉल्व एंड दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल्व, और ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है. एंड देन वी हैव सेकेंडरी सेल वॉल्व. सेकेंडरी सेल वॉल्व कहाँ पे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्व एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल्व के बीच में ये बन जाता है, और इसके अंदर मोस्टली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स मोस्टली पाए जाते हैं, और इसमें कहते हैं कि दे आर जनरली डेड एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्लांट्स. आपने अक्सर देखा होगा कि जो डेड पार्ट होता है स्टेम में मोस्टली आप देख रहे होते हैं, या प्लांट की जो बॉडी है वहाँ पे जो एक डेड पार्ट होता है, जब ये कहते हैं कि ये तब ग्रो करना शुरू कर देता है सेकेंडरी सेल वॉल, कि जब ये कोई भी प्लांट मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाता है, मतलब कि उसकी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद ये एक थिक और रिजिड एक लेयर बनाता है जो कि फर्दर ग्रोथ को ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है. तो मैक्सिमम साइज तक जब एक प्लांट अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेती है तो तब ये वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, और ये फर्दर ग्रोथ को ये रोक देता है. एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, इसकी जो कंपोजिशन है इसमें कहते हैं कि सेलुलोज मौजूद होता है, और हेमी
सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं और वैक्सीज वगैरह यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगेन इसकी भी जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में जो है मौजूद होते हैं, जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, तो उनकी वजह से भी अगेन इसको रिजिडनेस ज़्यादा मिल जाती है। एंड देन वी हैव मिडल लेमिला। मिडल लेमिला जो है दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, एंड इट इज कम्पोज ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स एंड पेक्टिन। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि इसकी जो कम्पोजिशन होती है वो जेल लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं और ये स्टिकी होता है। पेक्टिन भी मौजूद होता है इसमें, ये दरमियान में पाया जाता है। एंड देन वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्वियसली प्रोटोप्लास्ट को कवर जो करता है, उस लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं मोस्टली, एंड इट इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में भी ये पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। आपने सुना होगा कि सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, और इसको हम एक और नाम दे देते हैं, प्लाज्मेलीमा भी हम इसको कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें या सेल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मेलीमा कहें, एक ही बात है। एंड इट्स कम्पोजिशन इट इज़ कम्पोज ऑफ 60-80% प्रोटीन्स होते हैं इसमें, 20-40% इसमें लिपिड्स होते हैं, और स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। एंड देन वी हैव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये एक ऐसा मॉडल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन कर लेता है, कि स्ट्रक्चर के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इसके अंदर जो है वो किस टाइप के जो प्रोटीन्स या प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की अरेंजमेंट के बारे में एक तरह से ये एक्सप्लेन कर रहा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये क्या कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर पार्शली और होल्ली एम्बेडेड। यहाँ पे हमारे पास एक लिपिड की बायलेयर होती है, इस स्ट्रक्चर में देखें, दिस इज लिपिड बायलेयर। ये आपके पास एक लिपिड की एक लेयर है जो आपको ये वाली ऊपर जो एक हेड और टेल के साथ एक लेयर नज़र आ रही है, नीचे एक हेड और टेल के साथ एक लेयर नज़र आ रही है, तो इन दोनों लेयर्स को हम कहते हैं लिपिड बायलेयर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये कहते हैं कि लिपिड फॉस्फोलिपिड बायलेयर जो है वो मौजूद हैं जिनके अंदर या प्रोटीन्स कम्प्लीटली अंदर दबे हुए हैं, दे आर एम्बेडेड, या पार्शली दबे हुए हैं। ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है, देखें, या तो कम्प्लीटली इसके अंदर एम्बेडेड है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, या फिर पार्शली थोड़े से जो है उसके अंदर एम्बेडेड हैं। एंड दीज प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन इन इरेगुलर पैटर्न। कहीं पे भी कोई रेगुलर पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। सेकंड पॉइंट इनका क्या है कि ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इरेगुलर पैटर्न में यहाँ पे मौजूद है, जिस तरह से सी के अंदर जो आइसबर्ग्स जो फ्लोट कर रहे होते हैं समंदर में, आपने देखा होगा आइस के जो टुकड़े हैं वो इरेगुलर मैनर में उसके अंदर जो है वो फ्लोट कर रहे हों, तो एग्जैक्टली उसी तरह का ही लिपिड की जो बायलेयर की मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन्स जो है दे आर अरेंज्ड इन इरेगुलर मैनर। अब जो इनकी जो अरेंजमेंट के बारे में कहते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है प्रोटीन्स की, ये हर मेम्ब्रेन में डिफरेंट होती है। जाहिर है आपके बॉडी में एक ही सेल नहीं है, आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, आपके किडनी के सेल्स हैं, आपके स्किन के सेल्स हैं, तो हर सेल टाइप के अंदर इनकी जो प्रोटीन्स की जो अरेंजमेंट है वो एक बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इवन ये भी कहा जाता है कि इन प्रोटीन्स की जो अरेंजमेंट है वो अपर लेयर ऑफ दिस मेम्ब्रेन और लोअर लेयर ऑफ दिस मेम्ब्रेन जो है वो इवन वेरी करती है। अपर लेयर में जिस तरह से प्रोटीन्स की अरेंजमेंट है वो टोटली डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू लोअर लेयर में जिस तरह से प्रोटीन्स की अरेंजमेंट है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा कि फॉस्फोलिपिड का जो है बायलेयर यहाँ पे मौजूद होता है, किस तरह से ये अरेंज होते हैं कि दिस इज़ हाइड्रोफोबिक एंड
ये वाला जो इसका टेल का जो रीजन है दैट इज हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक हेड्स एक दूसरे के आमने सामने हैं और जबकि हाइड्रोफिलिक एंड्स एक दूसरे से ऑपोजिट है. आई एम रिपीटिंग अगेन कि यहाँ पे जो लिपिड फॉस्फोलिपिड की जो बाय लेयर है या फॉस्फोलिपिड की एक ही लेयर को आप पहले कंसिडर करें कि उसके अंदर जो लिपिड फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एक हेड रीजन होता है, एक टेल रीजन होता है. जो फॉस्फोलिपिड बाय लेयर के अंदर जो दो टेल रीजन्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं. उन टेल रीजन्स को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये वाटर हेटिंग है. हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो जहाँ से वाटर पास नहीं होता, जो वाटर को हेट करते हैं, वाटर हेटिंग हम कहते हैं इन हाइड्रोफोबिक को. और जबकि इनके जो हेड रीजन्स हैं दे आर हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक वो पार्ट होता है जो कि वाटर लविंग पार्ट होता है. दिस इज वाटर लविंग पार्ट और दूसरा आपके पास दिस इज हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग पार्ट. अब जो इस लेयर है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टीरॉइड्स भी मौजूद हैं और साथ में हमारे पास जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद हैं. तो ओवरऑल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं कि दोनों साइड्स या दोनों सरफेसेस इनके सिमिलर नहीं है, जिसकी वजह से दिस इज एसिमेट्रिकल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एसिमेट्रिकल कहते हैं क्योंकि दोनों सरफेसेस में जो इनकी अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है और ये एक जैसे हमें नज़र नहीं आते, एक जैसे ये नहीं दिखते, इस वजह से इनको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं. अब उसके साथ साथ वी हैव ग्लाइकोप्रोटीन्स. अगर प्रोटीन किसी कार्बोहाइड्रेट के साथ कम्प्लेक्स बनाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. और हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स भी मौजूद हैं. ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पे देखें, अगर लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं तो तब हम इसको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं. लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर है एक तरह से, इसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं. ग्लाइकोलिपिड्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ फिर कुछ साइटोस्केल्टल प्रोटीन्स भी मौजूद हैं. और कहते हैं कि साइटोस्केल्टल प्रोटीन्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. दीज आर द स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे देखें, जो कि साइटोस्केल्टन बना रहे हैं. दीज आर द स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट प्रोटीन जो कि साइटोस्केल्टन बना रहे हैं उनकी एबंडेंस होती है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में. मींस कि इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में ये ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि इनका मेजर फंक्शन क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने सपोर्ट देना होता है, इसलिए इनका जो है इनर साइड पे इनकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड. एंड देन दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. मोस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स डिफ्ट साइड अवे इन फ्लूइड बाय लेयर. एंड देन वी हैव फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड. अब मेजर फंक्शन लिपिड का क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, हमने अभी बात की कि दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट व्हाट आर दे डूइंग इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे आर इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी ये इंक्रीज कर रहे होते हैं जो अनसैचुरेटेड का आपको आइडिया होगा कि ये ऑयली नेचर होता है, तो ये फ्लूइडिटी इंक्रीज कर रहे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. इन कोलेस्ट्रॉल हेल्प टू स्टेबलाइज द लिपिड बायलेयर. कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है, ये उसको स्टेबलाइज कर देता है. इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट इंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. पोलर मॉलिक्यूल्स को भी ये रोक देते हैं, आयंस को भी ये रोक देते हैं कि हर टाइम जो है फ्लो की नीड तो नहीं होती है सेल को कि हर टाइम आयंस भी आ जाएं, पोलर मॉलिक्यूल्स भी आ जाएं. तो इसलिए ये उन पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस की फ्लो को भी ये रोक देते हैं. एंड देन वी हैव फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. अभी हमने बात की
जिसमें से कुछ प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट चैनल्स के तौर पे काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट चैनल्स एक्चुअली ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स बनाते हैं, जो एक तरह से रास्ता प्रोवाइड करते हैं कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए कि वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर जाएं। तो चैनल्स भी बनाते हैं, एंजाइम्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज रिसेप्टर्स और एंटीजन्स। रिसेप्टर के तौर पे भी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैठ के काम कर रहे हैं। एज रिसेप्टर वो क्या करेंगे कि बाहर से कोई भी हार्मोन वगैरह आके या कोई भी लाइगेंट आके उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, तो वो कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइप का एक सिग्नल सेल को दे देगा। एज रिजल्ट सेल के अंदर जो है वो अकॉर्डिंगली उसके लिहाज से जो है वो सेल अपना रिस्पॉन्ड शो करेगा, या फिर एंटीजन के तौर पे भी ये काम कर रहे होते हैं। एंड देन वी हैव चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। अभी हमने बात की कि चैनल प्रोटीन्स में हमारे पास स्पेसिफिक टाइप का चैनल वो बनाएंगे कि वो स्पेसिफिक टाइप का चैनल का मतलब ये है कि वो एक तरह से एलो करते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स को कि वो सेल के अंदर आएं, उनके लिए एक तरह से वो रास्ता बनाते हैं, एक टनल बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैठ के। किस तरह से वो बनाते हैं, इन मॉलिक्यूल्स की अपनी स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंज आ जाती है जिसकी वजह से बीच में से एक टनल खुल जाता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाएगा या सेल से बाहर निकलेगा। और कैरियर प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को कैरी करके लेके आ जाते हैं और सेल के अंदर डाल देते हैं, एक्टिंग एज कैरियर मॉलिक्यूल्स, या फिर रिसेप्टर, या फिर एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं, या फिर एज एंटीजन के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं। एंड देन फाइनली वी हैव रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज सेल सरफेस मार्कर। अब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का क्या फंक्शन है, ये स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं वो सेल सरफेस मार्कर के तौर पे काम करते हैं कि वो एक तरह से मार्क करते हैं कि ये स्पेसिफिक टाइप का सेल है, ये स्पेसिफिक टाइप का सेल है, ये स्पेसिफिक टाइप का सेल है, ये स्किन सेल है, ये किडनी का सेल है, ये ब्रेन का सेल है। तो इस तरह से जो है ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करेंगे कि सेल सरफेस मार्कर के तौर पे एक्ट कर लेते हैं। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकग्निशन एंड स्टिकिंग द करेक्ट सेल टुगेदर इन टिश्यू। और ये सेल टू सेल रिकग्निशन में भी ये हेल्प कर देते हैं एंड स्टिकिंग द करेक्ट सेल टुगेदर इन टिश्यू। एक टिश्यू के अंदर जो है वो करेक्ट जो स्टिकिंग द करेक्ट सेल, एक सेल एक टिश्यू के अंदर डिफरेंट सेल्स को जो है सही तरीके से उनको स्टिक करके उनको रख रहे होते हैं। एंड देन फाइनली वी हैव रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शंस विद इट्स एनवायरनमेंट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर फंक्शन क्या है कि ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा अक्रॉस मेम्ब्रेन, या वो खुद न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेगा। ऑब्वियसली सेल को न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है तो वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को एलोव करेगा सेल के अंदर आने के लिए। कुछ एक्सक्रीट सब्सटेंसेस जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको सेल से बाहर निकालेगा, या कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जो है ये एक्सक्रीट करेगा एंड देन जनरेट आयनिक ग्रेडियंट एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मसल एक्टिविटी। या फिर ये आयनिक ग्रेडियंट जनरेट करेगा। कैसे आयनिक ग्रेडियंट ये जनरेट करता है, ये सोडियम पोटाशियम की जो है वो फ्लो कर देता है, सोडियम पोटाशियम पंप हम कहते हैं, सोडियम पोटाशियम की फ्लो की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सेल्स हैं या जो मस्कुलर एक्टिविटी है उसमें जो इम्पल्स जनरेट हो जाता है। तो वो भी एक्चुअली इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब उन पोटाशियम और सोडियम आयंस को एलोव करेगा कि वो सेल के अंदर आ जाएं या सेल से बाहर निकले, तो एज ए रिजल्ट हमारा नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। तब जो है हमारे न्यूरॉन्स सिग्नल्स लेके जाते हैं इनकी फ्लो की वजह से।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे ब्रेन के प्लाज्मा जो ब्रेन के सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके लिए लाजमी होगा कि वो सोडियम और पोटाशियम चैनल को वो ओपन एंड क्लोज करें. एंड इट ऑल्सो मेंटेन पीएच आयनिक कंसेंट्रेशन विद इन सेल फॉर एंजाइम एक्टिविटी. ऑब्वियसली हमारे सेल्स के अंदर एंजाइम्स फंक्शन करते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस को एंजाइम्स कैरी कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनके लिए पीएच भी लाजमी है. तो जब तक प्रॉपर पीएच नहीं होगा हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एंजाइम एक्टिविटी नहीं करेगा. पीएच को मेंटेन रखने के लिए जाहिर है आयंस की फ्लो लाजमी होगी सेल के अंदर और सेल से बाहर जो है वो फ्लो लाजमी होगी. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इंट्रैक्शन कर रहा होता है, तो उस दौरान ये इस तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.